सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास DFCCIL एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बेस्ड है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग इस क्लास को मिस बिल्कुल ना करें। आज की क्लास DFCCIL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना कोई देर किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत में रेलगाड़ी का प्रथम इंजन, अगर फर्स्ट इंजन की बात करें तो यह थॉमसन इंजन था, जो स्टैंडर्ड गेज पर 22 दिसंबर 1851 को रुड़की उत्तराखंड में चलाया गया। अगर स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो ऐसा रेलवे स्टेशन जहां उसके रेलवे ट्रैक गेज की चौड़ाई 1.435 मीटर हो या 4 फीट 8.5 इंचेस। स्टैंडर्ड गेज को स्टेफेंसन गेज भी कहा जाता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? द फर्स्ट इंडियन ट्रेन इन इंडिया 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई, जो मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए इसमें 3 इंजन लगाए गए थे, जो थे साहिब, सिंधु और सुल्तान। फर्स्ट मोनो रेल किनके बीच चलाई गई? तो यह सरहिंद से आलमपुर और भवानी मंडी से पटियाला के मध्य 1907 में चलाई गई थी। प्रथम मेट्रो की बात करें तो यह 24 अक्टूबर 1850 में बोरीबंदर में चलाई गई थी। सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड यात्री आरक्षण व्यवस्था सिस्टम कब से और कहां लागू किया गया? 15 नवंबर सन 1984 से नई दिल्ली में शुरू किया गया। सर्वप्रथम ब्रॉड गेज सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन विच इज रन ऑन ब्रॉड गेज, दैट इज राजधानी एक्सप्रेस, रन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हावड़ा, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 मार्च 1969। सर्वप्रथम मीटर गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? फर्स्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन विच इज रन ऑन मीटर गेज, दैट इज पिंक सिटी एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर, विच इज रन फ्रॉम 17 अक्टूबर 1981। नैरो गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? फर्स्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस विच इज रन ऑन नैरो गेज, दैट इज शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शताब्दी एक्सप्रेस ऑफ नैरो गेज। शिवालिक एक्सप्रेस कालका शिमला के मध्य चलती है और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1996 से की गई थी। पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग, द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। यह टनल मंकी हिल से खंडाला स्टेशन के बीच में स्थित है और इस टनल की लंबाई 2.2 किलोमीटर थी। दिस टनल इज लोकेटेड नियर खंडाला स्टेशन इन दी मंकी हिल, विच इज नियर अबाउट भोर घाट। अब हम इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल की बात करते हैं, डेट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल। यह टनल इंडिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल है, जिसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने किया था। दिस टनल इज सिचुएटेड बिटवीन चिरुपल्ली एंड रापुरो स्टेशन। यह टनल आंध्र प्रदेश के चिरुपल्ली और रापुरो स्टेशन के बीच में स्थित है और इस टनल की लंबाई 6.6 किलोमीटर है। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो इस समय पीर पंजाल रेलवे टनल इंडिया का सबसे लंबा रेलवे टनल है, जो जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है। पीर पंजाल टनल को TAT रेलवे टनल भी कहते हैं, क्योंकि यह भारत का लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल है। यह एक सिंगल ट्रैक रेलवे टनल है, जो 2013 में ओपन किया गया था। इस टनल की लंबाई 11,215 मीटर है। अगर इसे किलोमीटर में कहें तो यह 11.22 किलोमीटर है। सर्वप्रथम टिकट की शुरुआत कहां से की गई थी? द फर्स्ट टाइम रेलवे टिकट स्टार्टेड फ्रॉम, तो मध्य रेलवे से, सेंट्रल रेलवे से इसकी शुरुआत की गई थी फ्रॉम 1854। वो कौन सा रेलवे स्टेशन था जहाँ पर एक महिला कुली थी? द फर्स्ट रेलवे स्टेशन देयर वीमेन इज द रेलवे कुली। तो वेस्टर्न रेलवे जोन का भावनगर मंडल के भावनगर टर्मिनल पर कार्यरत महिला पश्चिम मध्य रेलवे में एक कुली थी।
यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? द फर्स्ट इंडियन हु अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव इन यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे काउंसिल दैट इज श्री आर के सिन्हा। सबसे पुराना रेल पुल द ओल्डेस्ट रेलवे ब्रिज दैट इज क्रिक रेलवे ब्रिज, इसका निर्माण 1852 से 1853 के बीच में किया गया था। यह मुंबई कल्याण सेक्शन के बीच में स्थित है। सर्वप्रथम जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी किनके मध्य चलाई गई? द फर्स्ट जनता एक्सप्रेस विच इज रन ऑन बिटवीन विच स्टेशन दैट इज पटना टू दिल्ली। भारत में सर्वप्रथम ट्राम कार सर्विस कब से शुरू की गई थी? ट्राम कार सर्विस इज स्टार्टेड इन इंडिया 24 फरवरी 1873 को कोलकाता में सियालदाह से आर्मेनिया घाट के बीच चलाया जाता है। ट्राम असल में होता क्या है? तो यह इट इज़ अ टाइप ऑफ बस डेट इज वर्कड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ट्राम सड़क पर बिछी एक विशेष प्रकार की रेल पटरियों पर चलने वाली एक विशेष प्रकार की बस होती है। सर्वप्रथम सिग्नल प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? सिग्नल सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम इन 1894। प्रथम ISO 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला रेल कारखाना कौन सा है? विच रेलवे वर्कशॉप रिसीव्ड फर्स्ट ISO 2000 सर्टिफिकेट दैट इज पोन मले और वी कैन से गोल्डन रॉक इन 1996। मोबाइल फोन द्वारा सर्वप्रथम आरक्षण कहाँ शुरू किया गया था? द वेरी फर्स्ट रेलवे रिजर्वेशन स्टार्टेड बाय मोबाइल फोन फ्रॉम न्यू दिल्ली इन 2004। ये क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट में करना है कि दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में की गई थी। ऑप्शन से अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और नानक देव। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेन क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।